दोस्तों, इसकी बीट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है एक किक जो कि इस तरह से है। उसके बाद है हाई हेट्स, एक स्नेर है। स्नेर का इसमें कुछ काम नहीं है, ये तो हमने ढोल बनाने में काम लिया था, जो फील आता है वहाँ पे। ये फ्रूटी किक है, ये किक आपको यहीं मिल जाएगी पैक के अंदर। ओपन हाई हेट्स है, ये भी हाई हेट्स इसी के अंदर से लिए हैं। राइडल है, ये भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ट्रिंगल ट्रिगल ये भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, टॉम्स में हो सकता है या SPDFX के जो पैक हैं उसके अंदर आता है। ये मुझे तो मिल गया था, यहाँ पे पड़ा हुआ, मैंने लगा लिया। चाहे तो आप ये वाला लगाएं या कुछ और लगाएं। ये स्नेर है, इस तरह से तीखा स्नेर होना चाहिए। ये तो ढोल हो गया और ये स्नेर हो गया, बस ये दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा चाहिए। चंकी बेस आपको DX में मिल जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे, ये प्लगइन ओपन करेंगे, फ्रूटी DX10, और इसका प्रीसेट लिया है मैंने चक्की बेस। ठीक है, तो इस चक्की बेस यहाँ लगाया हुआ है, ये कुछ ऐसे साउंड करता है। वही इसका हमने थोड़ा सा ब्रेस लाइन चेंज किया है, ये 1 2 3 4 इस तरह से लगाया है। इसको बढ़ा करके देख लेते हैं, ये लगाया हमने दोस्तों वही मिड पे। ये जो एक लाइन, आप इसको लाइन करें पहले, तो ये लाइन करने के बाद आप जब सबसे बीच का हिस्सा आएगा इसका, यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, जस्ट उसके आगे आपको ये लगा देना है। फिर उसके बाद आपको छोड़ते हुए यहाँ लगा देना है। कितने छोड़े? 1 2। ठीक है, ये यहाँ लग गया। उसके बाद फिर 1 2, सॉरी 1 2, और तीसरे पे ये, फिर 1, फिर ये, फिर 2 छोड़ के फिर ये। तो इस तरह से आपको ये पैटर्न बनाना है। चाहे तो आप फोटो खींच सकते हैं, पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे आपको अच्छा लगे। और ये टॉम का भी, इस टॉम को हमने वैसे ही लगाया है। ये देखो, ये 1 यहाँ लगाया, फिर 2 छोड़ दिए, फिर 1 लगाया, फिर सारे छोड़ दिए, फिर जो लास्ट लाइन से स्टार्ट होगा वापस सेम पैटर्न ये वाला रिपीट कर देना है। ये लाइन और ये लाइन, ये ध्यान रखना है, उसके पहले जो कॉलम आता है उसी पे आपको लगाना है, जबकि ये लाइन पे हो। अगर आप इसको बीट पे करते हैं तो फिर बीट पे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना। और लाइन करके रखें, या फिर हाफ हाफ बीट में भी नहीं पता चलेगा आपको, ये चलेगा आपको 1/4 बीट पे, तो आपकी लाइन की तरह हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको लाइन लाइन रखें, सब अपना अपना हिसाब अलग रखते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर लाइन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक स्नैप है जो मेन पे होना चाहिए। मेन का मतलब जो यहाँ पर होगा वो सेम यहाँ पर होगा। अगर आप इसको अलग कर देंगे तो फिर ये अंदर का जो पियानो रोल है वो अलग से बिहेव करेगा, मतलब वो इसके हिसाब से ग्रिड करेगा 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, आप इसको मेन पे ही रखें ताकि ये आप यहाँ से वन क्लिक में ही इसको चेंज कर दें। ठीक है, अभी जैसे मैं चेंज कर रहा था वैसे। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, चक्की बेस हो गया अपना, और ये मैंने बना रखा है। और इसका सेकेंड पैटर्न में खाली हमने केक लगाई है 1/4 पे। ठीक है, और एक ड्रम ड्रम पे एक बनाया मैंने ये फील के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।